video. और आज ते ब्लॉग में नहीं बोला जाएगा मित्रों, छोटे बड़े बाण भाइयों सारे आने थारी मारी राम राम। और आज हम पूरा परिवार घूमने जा रहे हैं आगरा और जावांगे मथुरा वृंदावन। सारे काम तब ना घुमावांगे। तू क्या खान लग रही है? चिप्स। सो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लाठर फैमिली में। आज हम सारे जा रहे हैं मथुरा वृंदावन आगरा। हम जा रहे हैं मेरे फूफा बुआ मैं छवि। फूफा जी कहाँ देख रहे हैं? मम्मी और पापा सारे जा रहे हैं। बाकी सब ने मना कर दिया कि वो नहीं जा रहे। और अभी सबसे पहला जाएंगे हम आगरा और आज पूरी रात हमने घूमना आगरा मथुरा वृंदावन। और हम और किसी ने लेके नहीं आए, वैसे हम एक गाड़ी में आया। पहला आन का था कि दो गाड़ियां में आवेंगे पर अब एक गाड़ी में आया। ये आ गया गोवर्धन का रास्ता, उधर जा रहा है। ये देखना है शाल उड़ रही शेडी थोड़ा है। आया ना 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 काट के हट के भर ना तुम्हारे ये फूफा बेटी लपेटन लग गया है। कुरकुरा ना रेट रेट पर टेढ़े मेढ़े करा के सारे हैं। और बुआ ले रही है चिप्स पीछे और ये और भी हर जमटा का अंदर रही है सीट पे और दे नवीन गाड़ी चलाने लग रहा है। अभी जो है बच्चे क्या खा रहे हो भाई? चिप्स कुरकुरे चिप्स कुरकुरे पॉपकॉर्न। और एक ये बड़ा ये पैकेट मजा आ गया। छवि परी सोनिया किधर गई? सोनिया तो फेंक दिया अपना। सोनिया ने तो फेंक दिया अपना खा के ने। और सुरेंद्र का पॉपकॉर्न सबने खा लिया। ये बहुत ही किताबा अभी यहाँ से मथुरा रह गया। गोवंडर उठ गया आगे तो सफेदा भी ला दिया। सफेदा कहाँ है? पूरा ये जान लग रहा है बेटा। देखिए एक तरफ पूरा रोड पार कर गया उधर हो गया। तो सारे उठ रहे हैं। देखियो जान लग रहा है। कितना रह गया गोलू? 21 किलोमीटर। 21 का रह गया। आ गया आगरे का पेठा। यहाँ पे पंछी पेठा मिले आगरे का स्पेशल। पंछी पेठा पंछी का है वो बेटा पेठा आगरे का। आगरा किला उसमें भी चल पड़ेंगे। किला आ गया है सुरेंद्र। ये आगरा किला है? नहीं आगरा किला ये नहीं है। फतेहपुर सिकरी ना बेटा यहाँ आगरा किला नहीं। अरे ये ताजमहल नहीं है। 11 किलोमीटर दिखा रखा है। ताजमहल सीधा है स्ट्रेट सीधा रहता है। ये यहाँ पे क्या बना रखा है? मंदिर बना रखा है। यह मकबरा तो नहीं है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुद्वारा द्वारा कौन है मंदिर? जय गुरुदेव। ये आगरा का बड़ा गुरुद्वारा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे आगरा का ताजमहल है ना संगमरमर का वैसे ही दिखा सीधा दिखा रखा है। और ये देखो ये गुरुद्वारा दुख निवारण कोई बात नहीं।
होटल रेस्टोरेंट इटावा इटावा था क्या इटावा ग्रैंड कानपुर इटावा ये अरे पड़ा के पड़ा रे भाई ये हैं सारे पुराने जमाने के बाणियों के घर ला 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 सारे ला और अब ये बेच रहे हैं यहाँ पे पेठा सारे ला 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 के आगे आगे तो एक भी या यमुना आगे अच्छा इसमें भी यमुना है और यमुना तो पीछे का तब भाई है बेटा आ अब ये लेके जाओ इस करो ताकि देखे सके और क्या दिखवा दे ताजमहल ताजमहल बस पहुंचने वाले हैं भाई अभी दिखेगा वो नहीं है ये यमुना नदी है उधर से दिखेगा सामने से दिखेगा भाई हेलो दोस्तों तो आज होगी रात और तू तो गाड़ी चला ले ओ भाई कुछ भी झूठ वो रहा पीछे गाड़ियों के पीछे वो रहा ताजमहल पहली झलक ताजमहल की तो दिखाना वो और को वीडियो कॉल करो ओ कर लिया ही पक्की हो रहा है तो उधर जाके दिखाओ तो देखो हम पहुंच चुके आगे तो आ गए हम फाइनली आगरा और ताजमहल ताजमहल में और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया लकड़ी के घोड़े तेरे बर्थडे पे दे दे और अब ये ले रहे हैं आइसक्रीम वह दिलाल के देखते हैं कौन सी ले रहे हैं तो अभी हम पैदल जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं पैदल ताजमहल देखने के लिए बस 2 मिनट की दूरी पे है और सारे के सारे हम चल पड़े हैं पीछे भी हैं बस आराम से चले जा रहे हैं तो चलिए दिखाते हैं और नवीन जो है वो टिकट बुक कर रहा है क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन बुकिंग ही है ऐसे टिकट यहाँ पे मिलती नहीं है तो आप जब भी आओ तो ऑनलाइन बुकिंग करा के आओ ये गोलू चल रहा है अपनी बुआ के साथ हस्तलिपि वेदराष्टि ब्रह्म आई सॉल्यूशन ये है जैसे वो पढ़ते हैं ना ऐसे जो फिंगर लगा लगा के पढ़ते हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए है पढ़ के देख क्या पढ़ा क्या लिख रखा है परी 1609 में ताजमहल में कुरान की 22 आखतें मकबरे पर लिखी गई थी मुमताज के मकबरे पर अल्लाह के 99 नाम निहित है प्रवेश द्वार 1 पर कुरान शरीफ की आयतें अरबी हस्तलिपि में 1 पट्टी पर लिखी गई हैं मुख्य द्वार पर दृष्टिहीन ब्रह्म पैदा करने के लिए नीचे से ऊपर बड़े होते अक्षरों में लिखा गया जिससे सब समान दिखाई पड़ते हैं ताजमहल का गेट दूर से नहीं दिखा सकते क्योंकि पीछे ग्रिल्स लगी हुई है वहाँ खड़े हो जाओ हाँ जात परी कोई बात नहीं चार हुआ तीन हुआ की आंख बंद और ये लगा रही है फूल दोनों तरफ इन्होंने लगा दिया और अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे एयरटेल की रेंज आती है अभी आ नहीं रही और कहीं किसी भी सिम की तो अभी जो यहाँ पे जो बूस्टर बने हुए हैं वहाँ से 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और टिकट जब निकलेगी चलिए चलते हैं और ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे ताजमहल देखने के लिए और ये देखिए पक्षी खुले मैदान में कैसे आराम से और ये स्कूल के बच्चे
अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, और ये हमारा परिवार, ये जा रहे हैं अभी ताजमहल के पश्चिमी दीवार से एंटर। हाँ सुरेंद्र, किता क्या ताजमहल आ चुके हैं हम। आज की ब्लॉगिंग करेगा सुरेंद्र सुरेंद्र दलाल। तो ये आ चुका है अभी ताजमहल, और इसने यहाँ से पश्चिम गेट से एंट्री करी है। और देखिए साइड वॉक का नज़ारा, यहाँ वे पुराने, ये देखिए कब्र। तो ये कुछ ऐसे बने हुए हैं यहाँ से, और स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। और ये है ताजमहल का जो पश्चिमी द्वार है, ये है वो। और वो देखिए थोड़ा सा ताजमहल यहाँ से दीवार के पीछे से दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये हमने दक्षिणी द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, और ये देखिए आगे मेरा मास्क एंड नहीं अभिया। चलिए चलते हैं। और ये देखिए अंदर ये एक गुबंद सा बना हुआ है चारों तरफ से, और बिल्कुल शांति शांति है यहाँ पे, एकदम से ही ठंडक है। और गुबंद बना हुआ है, ये देखिए बीच में झूमर लगा हुआ है, और सामने से दिख रहा है हमें। ताजमहल, ये देखिए ताजमहल। खड़े हो जाओ। रुक जा, यहाँ पे नहीं, यार नहीं इस तरफ है ना, तेरे मुंह पछा आवे कति ना, कति काला मुंह आवे है उस तरफ, वो हो गया ना। तो अभी जो हम एंट्री करने वाले हैं, तो आपने देखा ही होगा कि पीछे जो था पश्चिमी दीवार था, और अभी जो हम ताजमहल का जो गेट है वहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये देखिए पीछे का नज़ारा देखिए, एक ये वाला यहाँ से हम कर रहे हैं एंट्री। ये तो रहने दे मारे खाते हो ये ताजमहल जो गेट है वहाँ से एंट्री करेंगे, और पीछे है जो ये गेट में से ही जो ताजमहल का जो है मेन दरवाज़ा दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ पे लिखी गई हैं कुरान की 22 आयतें, और हम लिए चलते हैं, मैं लिए चलती हूँ अपने परिवार के साथ आपको ताजमहल। तो करिए मेरे साथ ताजमहल के दर्शन। ये देखिए दोस्तों ताजमहल का, ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। ताजमहल, तो ये देखिए हमारे पीछे है ताजमहल, मेरे पीछे है ताजमहल, सबके सब लोग देख रहे हैं। वाइट है, देखिए कितना साफ है कि आसमान में ना मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। वो देखिए वो वहाँ पे है ताजमहल। ये देखिए दोस्तों मेरे बिल्कुल पीछे है ताजमहल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अचानक से ही प्लान बन गया था, क्योंकि हमें जाना था मथुरा और वृंदावन, और एकदम से ही हमें ताजमहल ने बुला लिया। वो कहते हैं ना कि माता ने बुला लिया, ऐसे ही हमें ताजमहल ने बुला लिया, और एकदम से ही प्लान बन गया। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चों को भी नहीं पता जो घर पे रह गए हैं, उनको भी नहीं पता कि हम कहाँ पर गए हुए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ताजमहल पर, पीछे आप देख ही रहे होंगे। तो हम आ गए हैं ताजमहल पे, और ताजमहल 7 वंडर्स में जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, उसमें सबसे पहला, और इसको प्यार का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि
जो साजा थे उन्होंने अपनी पत्नी बेग मुमताज़ की याद में बनाया था, और जो उनकी कब्र है वो भी इसी के नीचे है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब तक ना इस पर कोई भी प्रकार का कोई निशान नहीं, धब्बा नहीं, कोई भी अब तक कोई दाग नहीं हुए है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए दोस्तों चारों तरफ पानी पानी और चार ताजमहल। और ये बिल्कुल ताजमहल के पीछे से बहती हुई यमुना नदी। आ जाओ देखा प्रीताज ने, मुझे अंदर तो जाने नहीं दे रही है। जाना कौन है अंदर? यहाँ पे कवर है नकली की, इनके नीचे असली की, तो इसके अंदर नकली की कवर है ना। कैसे बना लो धीरे में चलो, नक्काशी देखो बढ़िया नक्काशी देखो, ये देखो कहाँ गई तेरी मम्मी। बोलिए ये देखो नहीं जा सकते, कुछ नहीं ऐसे जंगले हैं। शाही पूछ रही है, शाही पूछ रही है मीनार का गेट क्यों नहीं खुला। वाह चारों तरफ नजर। ये हम आ गए हैं ताजमहल के ऊपर वाले हिस्से पे, और ये बना है रेड फोर्ट। ये हम बाहर जा रहे हैं, इतना ही था बस। नक्काशी तो यहाँ की बड़ी सुंदर है, ये देखो फूल फूल सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत अच्छी है। एक बार तो घूमने आना ही चाहिए, पर टिकट दो दो जगह लगती है। एक बार ही पूरा अंदर घुसने के लिए, और एक बार ताजमहल में घुसने के लिए। मम्मी पापा ने देखी थी इसलिए मम्मी पापा नहीं आए। एक आदमी की ताजमहल में घुसने के लिए 200 रुपये, 200 रुपीज़, सारा 50 रुपये बाहर है, 200 रुपये अंदर घुसने के लिए। ये सामने कवर है, कवर है ये। अच्छा दोनों की एक साथ ही कवर है फिर, पर वो ओरिजिनल कवर है वो नीचे है, नीचे है, ये कॉपी है ऊपर। पूरा खाता है बस। हाँ मैं कितनी सुंदर हूँ। कुतुब मीनार कहाँ है यहाँ पे? हाँ अंदर घुस गए। अंदर घुस गए। वाह
सारे के सारे अंदर घुस चुके हैं, बस मम्मी पापा नहीं घुसे क्योंकि उन्होंने देखा होगा। ये देखो ताजमहल। देखिए ये पता नहीं क्या, ये देखो ये मीनार है, ये देखो एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, सारी जगह है। पूरा पूरी वीडियो बना रहे हैं। ये तो फिर यमुना नदी पूरी गंदी हो रखी है। पार्क कहाँ है? रुको 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 रुको, ये रहा बाग। हम घुस चुके हैं, एंटर हो रहे हैं। हम हो रहे हैं एंटर, हो रहे हैं कुतुब मीनार। हाँ मैं पागल नहीं हूँ। मम्मी तो सीख जाएंगी। अरे उधर है, आ जा। इसमें गजा के आए हम पहली बारी। वैसे तो कुछ भी नहीं था, अंदर मार्बल ही मार्बल था बस, और जाके देखो अच्छा है। हाँ इधर फोटो खींचेंगे यहाँ पे बैठ के। ये पता नहीं लाल लाल सा क्या है, किस चीज के दुआ में। चलो अब उनके पास भी तो चलो। ये एक और गुंबद बना हुआ है यहाँ पे, और इस मीनार में शाहजहां को जो कैद किया गया था। देखिए दोस्तों ये जो आप चार मीनार ये देख रहे हो, एक दो तीन और एक इसके पीछे, तो यहाँ पे शाहजहां को कैद किया गया था। ये देखिए चारों तरफ का टिकट काउंटर है, टिकट। ये हम आ गए हैं, ये इंडिया गेट का आगे का है, ये इंडिया गेट है मामा। ताजमहल का गेट है। ये चल पड़ा, दिखा दिए बस अंदर तक। ये और कुछ नहीं, मम्मी मुझे चल रहे हैं। पीछे है मेरे ताजमहल, और अभी हम अंदर का देख के आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। द ताजमहल स्ट्रीट।